हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट क्या है, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से किसको डिस्कस करेंगे, COP 21 को। इससे पहले जितने भी कॉप थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, उनकी जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले जब भी आप UNFCCC को, इसकी जो कॉप है उनके बारे में डिस्कस करो, तो प्लीज UNFCCC वाली जो वीडियो है वो जरूर देखना सबसे पहले, क्योंकि वहीं से आपकी जो स्टोरी है उसका बेस स्टार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से चीजें कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। सो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं पेरिस एग्रीमेंट, या फिर हम क्या बोलते हैं, COP 21। COP 21 आप देख सकते हो, COP 21 वाज द 21st COP, जो अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी उनकी 21st मीटिंग थी ये। और ये कहाँ पर हुई थी, पेरिस में हुई थी, दिसंबर 2015। ये डेट याद रखना, दिसंबर 2015 में हमारे COP 21 हुई थी, याद रखना, पेरिस में। और यहाँ से जो एग्रीमेंट आता है उसका नाम पेरिस एग्रीमेंट इसी नाम से पड़ा हुआ है कि वो पेरिस में ये COP 21 की मीटिंग हुई थी। अब देखो, इस वाली मीटिंग के अंडर COP 21 में, ये दिसंबर जो 2015 था, वहां पे जो एग्रीमेंट्स थे वो क्या क्या थे, क्या पॉइंट सामने निकल के आए थे। तो यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट का जो पॉइंट है वो कब साइन हुआ था और कब ये फोर्स में आया था, ये जरूरी है। मतलब COP 21 अगर दिसंबर 2015 में हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हो गया था स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट आप देखो एक बार, विल एंटर इन टू फोर्स ऑन 4th नवंबर 2016 में वो फोर्स में आया था। और इस पे जो इसकी जो कंडीशन थी वो जो पूरी हुई है वो 5 अक्टूबर 2016 को हुई थी। तो उसमें ये भी पॉइंट था कि जैसे ही इसकी थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगी, उसके एक महीने के बाद में ये फोर्स में आ जाएगा। तो एक महीने के बाद ये 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। अब इसकी कंडीशन क्या थी, ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ऑफकोर्स हम ये पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो कुछ भी एग्रीमेंट हो वो कुल मिला के कहाँ पे कनेक्ट हो रहा होगा, ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को कनेक्ट, उससे डील करना, उसको कम करना, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, हर पॉइंट यही हो रहा होगा। इसके लिए या तो आप मनी बताओ, फाइनेंशियल कौन हेल्प करेगा, डेवलप करेंगे किस तरीके से करेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो, लेकिन कुल मिला के पॉइंट यही उठ रहा है कि क्लाइमेट चेंज को आप किस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, अब जो पेरिस एग्रीमेंट था ना, इसके ऊपर इन्होंने कंडीशन क्या रखी थी, द एग्रीमेंट विल बिकम लीगली बाइंडिंग। ये पहली बात तो ये याद रखना है कि ये बाइंडिंग एग्रीमेंट बनेगा, लीगली बाइंडिंग। इससे पहले हमारा कौन सा वाला था, क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसको यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया था, बाद में कनाडा ने भी वापस कर लिया था। कि मतलब चाइना देखो कितना ज्यादा, चाइना और इंडिया देखा जाए तो कितना मतलब CO2 को एमिट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो डेवलपिंग में है और उनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं है। इस तरीके से कनाडा ने भी कर लिया था, यूएसए ने तो कभी उसको रेटिफाई किया ही नहीं। अब तो ये भी क्या होगा, एक लीगली बाइंडिंग होगा इफ ज्वाइंट बाई, एटलीस्ट कब होगा ये लीगली बाइंडिंग, एटलीस्ट 55 कंट्रीज विच टूगेदर रिप्रेजेंट एटलीस्ट 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कम से कम 55 कंट्रीज अगर उसको रेक्टिफाई करती हैं, और वो कौन सी 55, ऐसा नहीं है ना कि कोई भी छोटी छोटी कंट्रीज, क्योंकि जो भी मान लो सी के आसपास की कंट्रीज हैं वो सब तो कर ही देंगे रेक्टिफाई, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की तो उन्हीं को आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कर दे, 55 वो कंट्रीज जो कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ग्लोबली उसका 55% वो एमिट कर रहे हूँ। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूँ यूएसए हो गया, चाइना, इंडिया, जो मतलब मैक्सिमम CO2 को इमिट कर रहे हैं, वो जो कंट्रीज है वो मिलके इसको रेटिफाई करें, 55 कंट्री जो टोटल 55% इमिट कर रही हैं, मतलब इन सबको मिला के 55% होगा तब। अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था, 2 अक्टूबर, 2nd of October को इंडिया ने मतलब इस पे साइन किया था, 2nd अक्टूबर को। और 5th अक्टूबर को एक दो कवर होने के बाद इसकी जो थ्रेशोल्ड थी वो कंप्लीट हो गई थी और इस तरीके से वर्क में आया था। अच्छा, इससे पहले कि एक मैं अगर आपको थोड़ा पीछे का कनेक्ट करूं, तो जो हमने COP 20 डिस्कस किया था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की जो थी, 2008 से 12 तक का था फर्स्ट टाइम पीरियड तो, और सेकंड था 12 to 20, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो पाया था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर जब ये COP 21 हुआ था, उससे पहले 4-5 साल जो उनकी कॉप चल रही थी उसमें यही डिस्कशन चल रहा था कि जो 2015 में जो मीटिंग होगी, जो COP 21 होगी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे जो 2020 के बाद हमें करना है। ध्यान होगा आपको, जो हमने COP 20 डिस्कस किया था ना, उसमें भी यही बोला गया था कि लाइक मार्च तक, मार्च 2015 तक जो है आपको ये डिस्कस कर लेना है, लिस्ट बना के दे दो कि आप, मार्च ही था आई थिंक, कि आपको क्या क्या
COP21 में डिस्कस करना है, ये पहले बना दो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो अभी तक यही चल रहा था कि 2020 के बाद आप क्या करने वाले हो, उसकी जो लिस्ट है वो हमें 2015 तक मिल जानी चाहिए। और जब वो मिल नहीं रही थी तो फिर ये फाइनल कर दिया था कि जो COP21 होगी उसमें हर हालत में हमें वो लिस्ट मिलनी चाहिए कि 20 के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, उससे पहले उस टाइम पे आसपास में IPCC की रिपोर्ट भी आ गई थी, 20 में हमने डिस्कस किया था। ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करने वाले हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि उनको क्या भी बताना पड़ेगा, अपने INDCs, मतलब आपको जो नेशनली इंटेंडेड, नेशनली डिटरमाइंड जो है ना इनके जो भी, मतलब इनको कमिटमेंट्स हैं उनकी कि हम क्या करेंगे। जैसे इंडिया है, बोले कि 25 से 30% हम कम कर देंगे, चाइना ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो आप बताओ कि हम क्या करेंगे। मतलब 2020 से लेके 2030 तक हम 30% इमिशन कम कर देंगे, लेट अस सपोज। तो ये आप जो करोगे ना 20 के बाद, 30 तक या 50 तक, उसकी लिस्ट हमें दो पहले, वो INDCs थे। तो ये सारी चीजें आपको 2015 वाली मीटिंग में सबमिट करानी है, मतलब आपको INDC सबमिट कराना है, और दूसरा ये जो हेल्प होगी 2020 के बाद उन सब के बारे में डिस्कस करना है। ये स्टोरी थी, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इस मीटिंग में करना क्या था। वो भी 2 साल पहले तक डिस्कशन में चल रहा था। अब इसमें जो आया निकल के फाइनली क्या आया, पेरिस एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मेन पॉइंट क्या है, और जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्यों था, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो रहे थे, बाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यूएसए ने इसको मतलब रेटिफाई नहीं किया, पेरिस एग्रीमेंट को। एक बार तो ओबामा ने इसको कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प और इन सब ने डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको हटा दिया कि भी नहीं करेंगे, तो पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर हो रखे हैं। और ये सब ये आपने न्यूज में सुना ही होगा, जो यूएसए का जो चलता रहता है क्लाइमेट चेंज से लेके, कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो नेचर की वजह से हो रहा है। सो उनकी तो बात ही क्या करने। अच्छा, अब IPCC की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या जो डिस्कशन आ रहा था यहाँ को, पेरिस एग्रीमेंट में मेन पॉइंट्स उसके क्या थे, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको 2 डिग्री सेल्सियस से कम पे करके चलना पड़ेगा। अब उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि अगर आप ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, और कुछ नहीं, अब तक मान लो नहीं किया होता आपने, कुछ भी नहीं किया होता, हमने क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह कुछ कुछ भी नहीं कर रखा होता, तो अब तक अप्रोक्सीमेट 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका होता अभी तक। और ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का है, जितना आप क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इफेक्ट्स को पढ़ते हैं ना उससे भी ज्यादा समझ लो आप, इतना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। लेकिन हमने कुछ जो चीजें यूज करी हैं क्लाइमेट चेंज की, और कुछ भी जो अभी तक हमने किया है उसकी वजह से ये काफी कम हुआ है। और अगर आप इस एग्रीमेंट को फोकस में लेके आते हो तो भी, मतलब इसके बाद भी आपका अप्रोक्सीमेट 2.7 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा, जो इन्होंने लिमिट बताई है 2100 तक, ये लिमिट बताई है कितना तो जाएगा ही। तो हमारा जो मेन टारगेट है, इस एग्रीमेंट में ये कह रहे हैं कि मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 2 डिग्री सेल्सियस से ही कम रखना है अगर आप एक नॉर्मल लाइफ चाहते हो तो। और जो मेन प्रेशर ये डाला गया है कि आपके पास क्या प्रेशर है कि आप इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से तो इंक्रीज ना ही होने दी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये कब पॉसिबल है, दिस गोल विल रिक्वायर 0 एमिशन बिटवीन 2030 एंड 2050, इसके बीच में इतना 0 एमिशन होगा तब जाके ये अचीव हो पाएगा। कि आप फोकस तो इस पे रखो, ये इतना तो होना चाहिए कि भाई आप इतना लिमिट करके रखो, लेकिन आप टारगेट इसको सेट करके रखो कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। और ये हाँ ठीक है, ये IPCC की रिपोर्ट आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सो इससे बाकी सारे पॉइंट है वही आपका, मतलब आपको एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को रखो। लेकिन इसमें वही पॉइंट आ जाता है कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था जैसे INDC था फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये एग्रीमेंट को कोई साइन करा हो तो बाइंडिंग तो जाएगा ही। लेकिन अगर मैं INDC की बात करूँ, इसमें जो भी कंट्रीज ने अपने दिए, अप्रोक्सीमेट 165 कंट्रीज ने INDC यहाँ पे दिए हैं अपने, लेकिन INDC के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं थी, INDC जो है वो नॉन बाइंडिंग थे सबके ऊपर। दूसरा पॉइंट ये वाला, जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने फिर से ये एक वो बोलते हैं ना क्या, रिएफर्म किया, मतलब एक तरीके से बोल दो कि हाँ भाई हम एक सहानुभूति से दे दी कि हाँ मतलब हम देंगे $100 बिलियन जो है 2020 के बाद हम देंगे, और 2025, 2020 से 25 तक इतना देंगे $100 बिलियन, और 2025 के बाद में एक नया टारगेट रखा जाएगा, उसके बाद में मतलब कितना देना, ऑफकोर्स इससे ज्यादा ही होगा ऐसा कुछ। लेकिन पॉइंट क्या आया, वही ये सारी बातें तो आपको पता है, मैं कितनी कोप से बता रही हूँ आपको, काफी टाइम से चलता आ रहा है ये डिस्कशन तो 12 से या उससे भी पहले से, कि ये इतना देंगे। लेकिन इन्होंने कभी भी बाइंडिंग टाइप से, मतलब ऐसा कुछ बाइंडिंग इनके ऊपर नहीं कहा इन्होंने कि हाँ हम 100% देंगे, कि भी लिख के दे दिया और हम 100% देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बस बोलने के लिए बोलते हैं। तो अभी भी इनके ऊपर कुछ फाइनल नहीं था कि वो देंगे ही, बस इन्होंने बोला था कि हाँ एग्री कर दिया, सोचेंगे, इस टाइप वाली चीजें थी कि हाँ हम दे देंगे, एग्री कर दिया, बाइंडिंग कुछ नहीं था।
और INDC भी बाइंडिंग नहीं था। INDC बाइंडिंग नहीं मतलब, मान लो अगर इंडिया ने कुछ भी बोल दिया, किसी भी कंट्री ने बोल दिया कि हम 30-30% इतना कर देंगे, 33% कर दिया, लेकिन अगर आप मान लो नहीं कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कोई पनिशमेंट नहीं है, समझ रहे हो। इस तरीके की चीजें थी, तो ऐसी चीजें जिसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो फिर मुश्किल है वो चीज होनी। तो ये जो है COP21 के कुछ पॉइंट्स थे कि INDC का हर 5 साल के बाद में जो है जानकारी ली जाएगी, जांच करी जाएगी, तो हर 5 साल के बाद में INDC में कितना क्या कुछ चेंज किया है, किसने कितना अचीव किया है, इस तरीके की चीजें। तो मेन यही चीजें थी, इस टेम्परेचर को इतना कम करना INDC का। दूसरा, डेवलप कंट्रीज का क्या है कि वो कुछ मिटिगेशन अडेप्टेशन के लिए कुछ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, वही मेन पॉइंट आता है। मिटिगेशन पे फोकस करो, अडेप्टेशन पे करो, प्रोजेक्ट्स को लगाओ डेवलपिंग कंट्रीज में, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करो, यही सब चलता रहता है क्लाइमेट चेंज में, यही सब होगा। बस मेन पॉइंट जो मैंने था वो आपको बता दिया है। टेम्परेचर वाला मेन पॉइंट हो सकता है INDC का होगा, कब एग्रीमेंट फोकस में आया था, और बाइंडिंग है नहीं, नॉन बाइंडिंग है, इस टाइप वाला पॉइंट, और इसकी जो ये कंडीशन थी एटलीस्ट 55 कंट्रीज वाले, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट COP21, या फिर आप बोल सकते हो पेरिस एग्रीमेंट। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ UNFCCC से रिलेटेड, ताकि जितनी भी आपने वीडियोस पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसके बाद बाद में आप जितना क्वेश्चन कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो, आपको थोड़ा आइडिया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।